ये चिकमंगलूर का कॉफ़ी कैफ़े है, इसका नाम है श्री कॉफ़ी। ये बहुत ही अच्छा कॉफ़ी कैफ़े है, इसकी कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है, आई डोंट नो यहाँ पे कन्नड़ पे लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मूर्ति काफ़ी सुंदर है। इसके पास में बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, गार्डन टाइप है, और ये मूर्ति मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ब्यूटीफुल प्लेस है कॉफ़ी कैफ़े के बाहर। अब हम लोग बाबा बुद्धन गिरी हिल्स की ओर जा रहे हैं। ये हिल्स का जो रास्ता है वो कम से कम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये 50-60 किलोमीटर का जो पाथ है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर जो प्लांट्स है, जो रोड है और जो ग्रीनरी है देखने के लिए, वो बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि 50 और 60 किलोमीटर की जर्नी है, बहुत सुंदर प्लेस है। और बाइक पे तो काफ़ी अच्छा मज़ा आता है अगर हम बाइक राइडिंग कर रहे हैं तो। ये प्लेस इतना ब्यूटीफुल है, अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर देखने जाइएगा। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, मतलब रास्ता कैसे निकल जाता है 50-60 किलोमीटर का पता नहीं चलता है। आप देख रहे होंगे सन आ रहा है बीच में, और बहुत ब्यूटीफुल पाथ है, बहुत मज़े आते हैं बाइक के ऊपर। आप जाते हो तो ऐसा लगता है छोटे कश्मीर के अंदर घूम रहे हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस लगा मुझे। जैसे जैसे हम और टॉप पे जाते रहते हैं इसका जो व्यू है वो और सुंदर दिखता जाता है। एकदम टॉप पे जाने के बाद जैसे नीचे खाई जैसा समथिंग दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है टॉप व्यू देखने के बाद में। आप देख रहे होंगे कि इतना टॉप्स पे, मतलब पूरा जो रोड है वो हिल्स पे बना हुआ है, पर जो पूरा रोड बना हुआ है वो एकदम पक्का बना हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टूटी सड़क है जहाँ पे कार नहीं जा सकती, बाइक नहीं जा सकती। एकदम इजीली कार, बाइक, ट्रक, एवरीथिंग वहाँ पे जा सकता है। और आप लोग मॉर्निंग में अगर ये प्लेसेस विजिट करो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ आफ्टर 10 o'clock यहाँ पर इतना रश हो जाता है कि आप नहीं देख पा सकते हो सारी चीज़ें, बहुत ट्रैफिक रहता है इन प्लेसेस पे। तो आप मॉर्निंग 6 o'clock अराउंड निकल जाइए, और आप देख रहे हो रास्ते में शॉप है, तो ब्यूटीफुल प्लेस है, आप अपनी कार, बाइक जो भी है वो रोक कर चाय वही पी सकते हो आराम से। तो सुबह के टाइम पर कोई ट्रैफिक नहीं रहता है, तो आप इजीली सारी प्लेसेस देख सकते हो। अदरवाइज़ आप आफ्टर 10 o'clock जाओगे तो बहुत रश हो जाएगा वहाँ पे, आपको रास्ते से ही अपनी कार बाइक वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। अब हम बाबा बुद्धन गिरी प्लेस पर पहुँच गए हैं। ये मुस्लिम सूफी संत का प्लेस है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर अच्छे से घूमने के लिए आते हैं और इस ब्यूटीफुल प्लेस का मज़ा लेते हैं। आप देख सकते हैं ये एकदम टॉप व्यू है, और कितना ब्यूटीफुल जरिया यहाँ से दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़रिया है यहाँ का। नेक्स्ट जो है ये हैबे फॉल्स का पाथ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम वी लाइक शेप बन रहा है, कितना डेप्थ में है, हम बहुत ऊंचाई पे पहुँच चुके हैं और वी डेप्थ में ही एक हैबे फॉल्स है, बहुत ब्यूटीफुल है। वहाँ पे बहुत रश रहता है तो मैं ज़्यादा क्लोज नहीं गई फॉल्स के, बस दूर से ही देखा है और दूर का ही व्यू आपको दिखाऊंगी।
और नेक्स्ट डे जो हमारा स्टार्ट होता है वो मुल्लयनगिरी हिल्स के लिए होता है। ये भी बहुत अच्छी हिल्स है, इसका भी जो पाथ है वो लगभग सेम है जो बाबा बुद्धनगिरी जैसा था, ऐसे ही रोड है, साइड में प्लांट्स है और इस टाइप से आपको कर्व्स मिलेंगे और हिल्स का ही रास्ता है इस पर भी। यहाँ पे भी आपको मैं बोलूँगी कि अगर आप इवनिंग में निकलते हो तो थोड़ा जल्दी निकलना इवनिंग में, अदरवाइज़ आप प्लेसेस नहीं देख पाओगे। ये मुल्लयनगिरी हिल्स के रास्ते का एक टॉप व्यू है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ पे जो इवनिंग के टाइम पे आप जाते हो तो एकदम फॉग ही फॉग दिखता है आपको और बारिश भी आ जाती है। इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी, बहुत एकदम रिलैक्स मिलता है इस प्लेस पे आके। आप इसका प्लेस देख रहे हो कितना मतलब स्लैंटिंग है, एकदम रिटर्न होते टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप जरूर ये प्लेस देखने जाइएगा। ये यहाँ का सनसेट पॉइंट है जो कि इवनिंग टाइम पर बहुत ब्यूटीफुल लगता है, एकदम टॉप व्यू से अगर आप सन को देखते हो तो बहुत बहुत सुंदर दिखता है। ओके गाइज, ये था मेरा चिकमंगलूर का वीलॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।